दोस्तों, अगर आपके भी शरीर में दर्द रहता है, चाहे वो हड्डी का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो या पूरे शरीर में आपके कहीं भी दर्द हो या आपको बुखार हो गया हो या आपके चोट लगने के कारण सूजन आ गई हो, तो उस सूजन को ठीक करने के लिए और उस दर्द को ठीक करने के लिए यह टैबलेट उपयोग की जाती है। यह बहुत ही पावरफुल टैबलेट है। अगर आप एक टैबलेट खा लेते हो तो आपकी जो दर्द की प्रॉब्लम है यह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट की मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है। तो टैबलेट का नाम है जीरोडोल एसपी। जीरोडोल एसपी के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर हम इसका कंपनी की बात करें कि जीरोडोल एसपी कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, तो इपका फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा यह टैबलेट बनाई जाती है। अगर हम इसके एमआरपी की बात करें कि यह टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पर कितने रुपए तक की मिल सकती है, तो यह टैबलेट 130 रुपए में 10 टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका कंपोजिशन की, किस टैबलेट के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। तो एसिलोफिनेक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg और सेरीपेप्टिडेज 15 mg पाया जाता है। अब बात करते हैं यह टैबलेट कैसे काम करती है। जब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में दर्द हो गया है या सूजन हो गई है या आपको बुखार हो गया है, तो तब यह टैबलेट कैसे काम करेगी। तो जो इसमें कंटेन है एसिलोफिनेक 100 mg में, यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो कि आपकी सूजन को कम करने में काम करेगी। और जो पैरासीटामोल 325 mg है, यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका काम फीवर को, मतलब आपके जो बॉडी में टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने का काम करेगी, फीवर को ठीक करने का काम करेगी। और सेरीपेप्टिडेज 15 mg, सेरीपेप्टिडेज जो प्रमोट करता है हीलिंग को, मतलब जब आपके अब नॉर्मल प्रोटीन्स में जो एंजाइम होता है उसका ब्रेक डाउन करता है और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ठीक करने का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि यह टैबलेट किन किन कंडीशन में उपयोग की जाती है। सबसे पहले हड्डियों में दर्द, अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो तब भी यह टैबलेट उपयोग की जाती है। या जोड़ों में दर्द, अगर आपके पैरों के जोड़ों में या हाथों के जोड़ों में या गर्दन की जोड़ों में दर्द रहता है तो तब भी यह टैबलेट उपयोग की जाती है। या मांसपेशियों में दर्द, अगर आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है या मूंछ आ गई है तो तब भी यह टैबलेट उपयोग की जाती है। या कान के दर्द में, मतलब जब आपका कान चीसता है, कान में दर्द होता है, तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इससे अलग जैसे खून के थक्के जमना, जिसे ब्लड क्लॉट्स कहते हैं, जब आपके चोट लगने के कारण खून के थक्के जम जाते हैं तो तब भी यह टैबलेट उपयोग की जाती है। इससे अलग सूजन में, कि यह टैबलेट सूजन में भी उपयोग की जाती है। और बुखार में, जब किसी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो तब भी यह टैबलेट उपयोग की जाती है। इससे अलग सिर दर्द में और गर्दन दर्द में यह टैबलेट उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के डोज की, कि इस टैबलेट को कब और कैसे खाना चाहिए जिससे कि अच्छा रिजल्ट हो, देखने को मिले और कम साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो एक टैबलेट सुबह ही नाश्ते के बाद, मतलब नाश्ते के 2 घंटे बाद, और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की, कि इस टैबलेट को खाने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे उल्टी का मन होना या उल्टी होना, पेट दर्द होना, डायरिया होना, डाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना या मुतलसन होना और अबनॉर्मल ब्लीडिंग। यह कुछ साइड इफेक्ट है जो जीरोडोल एसपी टैबलेट को खाने से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि यह टैबलेट कौन कौन नहीं ले सकता, मतलब कौन कौन से ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग ना करें, जैसे हार्ट अटैक वाले, जिसको भी हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो वे इस टैबलेट का उपयोग ना करें। और किडनी के पेशेंट, जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको भी यह टैबलेट उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। और उससे अलग जैसे स्टोमक अल्सर, अगर आपके पेट में छाले हो गए हो तो तब भी यह इस टैबलेट का उपयोग न करें।
हेलो दोस्तों, आज हमने बताया जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।